इजंट इट। तो ये अब ये दोनों क्या है, नॉन लीनियर प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो नॉन लीनियर प्रॉपर्टी होने की वजह से आई म्यू और आई डब्ल्यू नॉन लीनियर प्रॉपर्टी होने की वजह से आर नॉट और एक्स नॉट, क्योंकि ये किसी भी फिजिकल पार्ट, फिजिकल रजिस्टर या फिजिकल कैपेसिटर को रिप्रेजेंट, फिजिकल इंडक्टर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ये किसी भी रजिस्टर और इंडक्टर जो अवेलेबल है वो किसी भी ट्रांसफॉर्मर के पार्ट का रजिस्टर और इंडक्टर नहीं है, ये केवल और केवल प्रॉपर्टी है। हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है क्योंकि इससे हम लोगों ने ये रिप्रेजेंट कर लिया कि आई डब्ल्यू और वी वन के बीच में जो एंगल है वो जीरो डिग्री का है, और जबकि आई म्यू और वी वन के बीच का जो एंगल है मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट और वोल्टेज के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। इंडक्टर से हम लोगों ने ये रिप्रेजेंटेशन की है, ये किसी भी पार्ट ऑफ द रेजिस्टेंस और इंडक्टर नहीं है किसी पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन के, केवल और केवल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये आई म्यू और आई डब्ल्यू दोनों नॉन लीनियर प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये आर नॉट और एक्स नॉट की वैल्यू वेरी करेगी। कैसे वेरी करेगी, जो भी प्रैक्टिकल हमारे पास रजिस्टर और इंडक्टर अवेलेबल होते हैं। रजिस्टर की जब नेटवर्क थ्योरी में हम लोग बात करते हैं तो वहां पे रजिस्टर और इंडक्टर की बात करते हैं, तो वो लीनियर इंडक्टर और लीनियर रजिस्टर की लीनियर रजिस्टर होते हैं, उनके वी आई कैरेक्टरिस्टिक लीनियर रिप्रेजेंटेशन करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिकल मशीन्स में जब हम लोग बात करते हैं तो संट ब्रांच के जो पैरामीटर्स होते हैं आर नॉट और एक्स नॉट, ये नॉन लीनियर पैरामीटर्स होते हैं। बिकॉज आई नॉट के कारण जो आई डब्ल्यू और आई म्यू फॉर्म हो रहे हैं ये दोनों नॉन लीनियर प्रॉपर्टी है। नॉन लीनियर प्रॉपर्टी होने की वजह से आर नॉट और एक्स नॉट की वैल्यू वेरी करेगी, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट रजिस्टर, सपोज करिए ये एक डिवाइस, लेट से 50 ओम का ये रजिस्टर है इसका, तो 50 ओम का रजिस्टर है तो ये कभी वेरी नहीं करेगा क्योंकि इसका फिक्स्ड है। ये लीनियर रजिस्टर है, लीनियर इंडक्टर है, जो कि नेटवर्क थ्योरी में हमारे पास अवेलेबल होता था। लेकिन जो हमारे पास संट ब्रांच पैरामीटर अवेलेबल होते हैं वो नॉन लीनियर पैरामीटर होते हैं, इनकी वैल्यू वेरी कर जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नेटवर्क थ्योरी के थिंकिंग प्रोसेस से बाहर आना पड़ेगा इलेक्ट्रिकल मशीन्स को समझने के लिए। नेटवर्क थ्योरी इज मेंट फॉर लीनियर सिस्टम, वेयर एज इलेक्ट्रिकल मशीन्स इज मेंट फॉर नॉन लीनियर सिस्टम्स। इलेक्ट्रिकल मशीन्स जितनी भी हमारे पास अवेलेबल है वो नॉन लीनियर मशीन्स है, तो नॉन लीनियरिटी हम लोगों को एनालिसिस करना पड़ेगा। और मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को कि आर नॉट और एक्स नॉट की वैल्यू किस तरीके से वेरी करेगी। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो ये ग्राफ एनालिसिस करते हैं हम लोग, यहाँ पे वोल्टेज है, यहाँ पे करंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेड वाले पोर्शन को आप पूरे तरीके से एलिमिनेट कर दीजिए, भूल जाइए, केवल और केवल ब्लैक पोर्शन को अभी देखिए। तो ब्लैक पोर्शन को जो कि लीनियर कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट कर रहा है, लीनियर कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2 एम्पियर का अगर आप करंट देते हैं तो यहाँ पे 10 वोल्ट का वोल्टेज आपको देखने के लिए मिल रहा है। आप फर्दर एक्सीड करते हैं और 4 एम्पियर का किसी एलिमेंट में वोल्टेज, 4 एम्पियर का करंट इनपुट देते हैं, जिसके कारण 20 वोल्ट का वोल्टेज उसमें देखने के लिए मिल रहा है। या फिर 20 वोल्ट अप्लाई करिए तो 4 एम्पियर देखने के लिए मिल रहा है, 10 वोल्ट अप्लाई करिए तो 2 एम्पियर देखने के लिए मिल रहा है सपोज। तो इस पॉइंट में अगर मैं इस पॉइंट को मॉडल करना चाहूं तो किस पार्ट से, सपोज करिए रेजिस्टेंस वी आई लीनियर रिलेशन है, रेजिस्टेंस से मेरे को मॉडल करना है, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो वोल्टेज की वैल्यू इस पॉइंट पे कितनी है, यहाँ पे एक्सटेंड करने पे 20 वोल्ट, वी बाई आई, आई की वैल्यू क्या है 4 है, तो वी बाई आई 20 बाई 4 करने पे 5 ओम देखने के लिए मिल रहा है इस पॉइंट पे रजिस्टर। क्योंकि ये लीनियर कैरेक्टरिस्टिक है तो इस पॉइंट पे अगर हम लोग एनालाइज करते हैं तो क्या देखने के लिए मिलता है रेजिस्टेंस की वैल्यू वो देखते हैं। तो ये अगर 2 एम्पियर है और ये 10 वोल्ट है तो V बाई आई करने पे 10 वोल्ट डिवाइडेड बाई 2 एम्पियर करने पे हम लोगों को 5 ओम देखने के लिए मिलता है। मतलब यहाँ पे जो रजिस्टर है वही सेम रजिस्टर की वैल्यू यहाँ पे है। तो ये लीनियर जब होगा आपका सिस्टम, लीनियर कैरेक्टरिस्टिक जब होगा आपके सिस्टम का, लीनियर सिस्टम होगा, वहां पे रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस की वैल्यू वेरी नहीं करेगी। लीनियर रेजिस्टर, लीनियर रेजिस्टर को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे वैल्यू वेरी नहीं करेगी रेजिस्टेंस की। लेकिन कहाँ पे वैल्यू वेरी करेगी, जब हम लोग नॉन लीनियरिटी एनालिसिस कर रहे हैं, जब मशीन्स की एनालिसिस कर रहे हैं। तो मशीन्स में एज यू ऑलरेडी नो बी एच कर्व आप लोगों को देखने में मिलता है जो कि नॉन लीनियर है। तो बी एच कर्व में अगर नॉन लीनियरिटी इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, बी आई कैरेक्टरिस्टिक में नॉन लीनियर सिस्टम की एनालिसिस करते हैं, तो अब रेड वाला जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको कंसिडर करिएगा। तो इस पॉइंट को अगर मेरे को यहाँ पे ड्रॉ करना है कि किस एलिमेंट से मैं मॉडल करूँ,
तो वोल्टेज 20 वोल्ट है यहाँ पे, करंट की वैल्यू 4 एम्पियर है, तो रेजिस्टेंस अगर मॉडल करना है तो V बाई I, मतलब 20 बाई 4 करने पे हम लोगों को 5 ओम देखने के लिए मिल रहा है। अब इस पॉइंट में जो कि यहाँ पे मॉडल करना है, इस पॉइंट को अगर मैं मॉडल करूँ तो यहाँ पे जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू 10 वोल्ट है, ध्यान दीजिएगा। इस पॉइंट को अगर मैं मॉडल कर रहा हूँ रेजिस्टेंस से, तो यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू 10 वोल्ट है, जबकि करंट की वैल्यू 2 एम्पियर ना होकर 1 एम्पियर ही है। तो 10 डिवाइडेड बाई 1 करने पे हम लोगों को यहाँ पे रजिस्टर की वैल्यू 10 ओम मिलेगा, 10 ओम मिलेगा। तो ये ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक, ऑपरेटिंग पॉइंट पे डिपेंड करेगा, ऑपरेटिंग पॉइंट पे डिपेंड करेगा मॉडलिंग कि वो लीनियर रजिस्टर है। पहले तो अगर आपका सिस्टम लीनियर है, लीनियर कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वहां पे जो रजिस्टेंस और इंडक्टर होंगे वो लीनियर होंगे, जो कि नेटवर्क थ्योरी में हम लोग एनालिसिस करते हैं। मशीन्स में नॉन लीनियर सिस्टम है, मशीन जितने भी अवेलेबल है हमारे पास सारी मशीन्स नॉन लीनियर मशीन्स हैं। तो नॉन लीनियर मशीन्स के एनालिसिस के लिए जो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंसेस होंगे वो भी नॉन लीनियर होंगे, उनकी भी वैल्यू वेरी करेगी, क्योंकि इस पॉइंट में हम लोगों को 5 ओम देखने के लिए मिल रहा है। इस पॉइंट में जब मॉडल कर रहे हैं तो वो रजिस्टर की वैल्यू चेंज होकर 10 ओम में आ जा रही है, 10 ओम में आ जा रही है। तो ये ब्लैक पेन से जो लीनियर कैरेक्टरिस्टिक था वो नेटवर्क थ्योरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि रेड कैरेक्टरिस्टिक मशीन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। मशीन इज मेंट फॉर नॉन लीनियर सिस्टम, और अगर आपका सिस्टम नॉन लीनियर है वहां पे रेजिस्टेंसेस की वैल्यू वेरी करेगी, इंडक्टर की वैल्यू वेरी करेगी, क्योंकि ये फिजिकल। और इस स्लाइड में जो एनालिसिस किया हम लोगों ने, यहाँ पे रेजिस्टेंस और इंडक्टर किसी पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन नहीं है, पार्ट ऑफ बाइंडिंग के रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस नहीं है, ये केवल और केवल हमारा इस तरीके से है कि जो प्रैक्टिकल मशीन्स में, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में कोर लॉसेस हो रहे हैं उसको थ्रू द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस और मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट को हम लोग थ्रू द हेल्प ऑफ इंडक्टेंस हम लोग मॉडल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये किसी पार्ट फिजिकल रजिस्टर और इंडक्टर नहीं है। तो क्योंकि करंट आपका आई म्यू और आई डब्ल्यू नॉन लीनियर प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिससे ऑपरेटिंग पॉइंट, जैसे कि किसी प्रैक्टिकल मशीन में सपोज करिए कि 10 वॉट का लॉसेस हो रहा है, आयरन लॉस, अगर वोल्टेज स्पेसिफाइड वोल्टेज अप्लाई की है, स्पेसिफाइड करंट अप्लाई की है, अब वोल्टेज की रेटिंग आप रिड्यूस कर दिए और करंट भी रिड्यूस कर दिए, और वोल्टेज के ऑपरेटिंग पॉइंट पे ये डिपेंड करेगा वोल्टेज और करंट के, कि इसमें मॉडलिंग हम लोग कहाँ पे करें, और लीनियर होगा नॉन लीनियर होगा, और नॉन लीनियर की वजह से ऑपरेटिंग पॉइंट पे डिपेंड करेगा कि उसके, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जिस्टिंग ट्रांसफार्मर में लॉसेस हो रहे हैं, आयरन लॉस हो रहा है, उसको ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। तो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में आयरन लॉसेस वेरी करेंगे, तो यहाँ पे पैरामीटर्स वेरी कर जाएंगे, आर नॉट और एक्स नॉट की वैल्यू हम लोगों को वेरी करने पड़ेगी। तो नेटवर्क थ्योरी में आर और एक्स हमेशा और हमेशा कॉन्स्टेंट होते थे, जबकि मशीन्स में हमारे पास आर नॉट और एक्स नॉट वेरी करेंगे, ये कॉन्स्टेंट नहीं होंगे। तो ये क्लियरिफाई होना चाहिए कि किस तरीके से वेरी कर रहे हैं ये आर नॉट और एक्स नॉट। तो आर नॉट और एक्स नॉट वैल्यूज मस्ट वेरी इन दिस केस, है ना, तभी हम लोग नॉन लीनियर पैरामीटर्स को शो कर पाएंगे। अब लॉसेस जो हो रहे हैं वो भी लीनियर लॉसेस तो है नहीं, कि आर नॉट और एक्स नॉट बिना वेरी किए हम लोग उसको मॉडल कर पाए, जो कि प्रैक्टिकल मशीन में लॉसेस हो रहे हैं थ्रू द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस इंडक्टेंस हम लोग उसको मॉडल कर रहे हैं, और सेम लॉसेस जो कि लॉसेस की जो वैल्यू है उनको इस यहाँ पे पैरामीटर आर नॉट एक्स नॉट की वैल्यू वेरी करके उन लॉसेस को मॉडल करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज ऑल अबाउट द टुडे सेशन। मैं आशा करता हूँ कि इस सेशन में आपको कुछ नई चीजें सीखने के लिए मिली होंगी। नेक्स्ट सेशन में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू वेरी मच, वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।